नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आपने शुरुआत में लाइन पढ़ी ली है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकें। आज जो लेकर आए हैं 1 BHK इंडिपेंडेंट विला है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अपने जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पर पड़ेगा। ओमेक्स सिटी करके प्रोजेक्ट है उसके अंदर। ओमेक्स सिटी से मेन रोड से डिस्टेंस माने तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर अंदर पड़ेगा मेन रोड से। 50 गज में इंडिपेंडेंट बना हुआ विला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर डाल दूंगा, इसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी रहती है आप मेरे से वहाँ जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इस विला की एंट्रेंस है। जैसे आप एंटर करेंगे आपको एक छोटा हॉल मिलेगा। ये राइट में आप स्टेयर्स देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और जैसे घुसते गेट के पीछे आपको किचन मिल जाएगी। सामने की तरफ एक रूम है और ये लेफ्ट साइड में एक वॉशरूम है। अब एक बार मैं आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ इसका। ये मैं किचन के अंदर आकर आपको हॉल दिखा रहा हूँ। जो एक स्मॉल फैमिली है जो इंडिपेंडेंट लेना चाहती है उनके लिए ये बैंक लोनेबल है। सोसाइटी के अंदर है एकदम। आप एक बार आकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोसाइटी है पूरी, गेटेड सोसाइटी, क्लब हाउस वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। अप्रैल से आपको पोजीशन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको वॉशरूम का एक बार दिखाया था हम लोग। ये वॉशरूम मिलेगा आपको, नॉर्मल डिसेंट साइज का वॉशरूम है। ये देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन दी गई है सब जगह पे। इसके अंदर आप चाहे तो बाद में ऊपर भी बना सकते हैं, ऊपर छत राइट्स वगैरह सब कुछ आपके रहते हैं। आपको प्रॉपर जो कागज बनेंगे पूरा 50 गज के बनेंगे, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका बेडरूम मिल जाएगा आपको ग्राउंड फ्लोर पे। एक दो लोगों के हस्बैंड वाइफ के लिए सफिशियंट है मेरे हिसाब से ये। आपको वेंटिलेशन के लिए पीछे की तरफ जगह मिल जाएगी। यहाँ कूलर वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, एसी का आउटर वगैरह लगाना चाहे लगा सकते हैं। पीछे आपको पानी वगैरह के सबके पॉइंट छोड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक के भी। आप स्विच वगैरह लगाना चाहे कुछ भी लगा सकते हैं। आप जो लाइन है पूरी बाहर की बाहर आ रही है, तभी इन फ्यूचर कभी ख़राब भी हो तो आप बाहर की बाहर चेक करा सकते हैं। आपको कुछ भी तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ओपन आ गए हैं किचन की तरफ, ऐसा कुछ आपको किचन मिलेगा। ये जितना भी आप विला देख रहे हैं पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। ये आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, ये फ्रंट में देखता हुआ है किचन। ये जो फर्नीचर वगैरह है ये लगा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से लगवाना पड़ेगा। आपको ये रॉ फ्लैट मिलेगा। ये अपने छोटी जगह मिल जाएगी आपको सीढ़ी के नीचे, अगर कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना चाहे तो। विला का साइज कम है तो स्पेस बहुत चाहिए, तो इसलिए स्पेस छोड़ी गई है। ये स्टेयर्स से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की एक बार मैं आपको छत की भी स्पेस दिखाता रहता हूँ कि कैसी छत पे स्पेस रहेगी। यहाँ पर आपको रेलिंग लगी मिल जाएगी। ये मैं गेट खोलता हूँ छत का। जितने भी आप गेट देख रहे हैं प्लेन है, ये प्लेन नहीं रहेंगे, इसकी सनमाइका का लगनी बाकी है, काम होना बाकी है। ये बस स्टेयर्स का लुक है ऊपर से। ये दोनों तरफ आपको खाली एरिया मिल जाएंगे, जहाँ फ्यूचर में बनवाना चाहे तो बना सकते हैं। ये ऐसे ओवर से लुक है पूरी सोसाइटी का। ये अपने पीछे की तरफ खाली स्पेस है, यहाँ पर भी आप एक रूम वूम बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वारी रह सकती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।